हे एवरी वन हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इवन रीट एयर एक्सर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवरी वन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज इंपॉर्टेंट तो आज का कुछ टॉपिक कुछ इसी तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है एज मेजर चेंजेस इन योर लाइफ क्या मेजर परिवर्तन हो सकता है मेजर मीन्स बहुत ज़्यादा मेगा चेंजेस इन योर लाइफ हम ये भी बताएंगे कि आपकी जिंदगी में करंट सिचुएशन आपका क्या जा रहा है और मेजर चेंजेस क्या आने जा रहे हैं क्योंकि मेजर चेंजेस जो आने जा रहा है वो आप तभी समझ पाएंगे कि जब आपकी करेंट सिचुएशन रिलेट करेगा ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ इवेंट्स कुछ घटनाएं के बारे में जानने की आवश्यकता है इसलिए हम इस रीडिंग को कर रहे हैं द मेन ऑफ द रीडिंग इज टू लेट यू नो आर द अपकमिंग मेजर चेंजेस सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट रेडी फॉर द सिचुएशन ठीक है यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या मेजर चेंजेस आने जा रहा है प्लीज यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स प्लीज गाइड करें हम लास्ट में इंटीट कार्ड्स देखेंगे और भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा मेजर चेंजेस इन द लाइफ यूनिवर्स गाइड हैव द एस ऑफ पेंटेकल्स मेजर चेंजेस इन द लाइफ एज अ थ्री ऑफ कप्स ग्रेट पे है हमारे पास क्वीन ऑफ वेंट्स ओके यहाँ पे है हमारे पास हाई प्रीस्ट यहाँ पे है हमारे पास फोर ऑफ कप्स एंड हमारे पास है किंग ऑफ स्वर्ट्स बॉटम ऑफ द डेग हमारे पास है चैरियट टॉरस वो कैप्रिकॉन कन्या मकर राशि एरीज लियो लियोसरियस पाइशिस कैंसर पाइश स्कॉर्पियो एक्वेज बनाए लीबरा इज वेरी इंपॉर्टेंट तो सारे साइंस यहाँ पे आ गया है वाटर साइन फायर साइन आर्थ साइन एन इम्पोर्टेंट साइन में से है कैंसर इंपॉर्टेंट साइन में से है पाइशिस इंपॉर्टेंट साइन में से है यू कैन से टॉरस इसके नीचे था वर्ल्ड कार्ड सो है लियोटॉरस एक्वेरेज स्कॉर्पियो उसके नीचे हम तीन कार्ड ले सकते हैं दिस इज दीजन स्कॉर्पियो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छा से पता चले कि वॉट आर द गुड फॉर्चून्स आर द मेजर चेंजेस दैट कैन कम इन योर लाइफ वेरी सुन क्योंकि भविष्य के बारे में आपको जानने की जरूरत है सो लेट सी यहाँ पे है टीयर्स डोंट वरी अबाउट इट यहाँ पे है आइस ओके वी डू हैव द क्रिस्टल यहाँ पे है स्विमिंग आज वाइट वाइट बहुत ज़्यादा है कॉमेट बॉटम ऑफ दे द डेक हमारे पास है रिवर नदी ट्वेंटी नाइन थर्टी सेवन थर्टीन एट यहाँ पर ट्वेंटी थर्ड थर्टी नाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि मेजर चेंजेस क्या आ सकता है मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस किसी के लिए ही आपके मन में या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है ठीक है मैं मानती हूँ आपके ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट है क्योंकि आपकी ख्वाहिशें भी है और जब ख्वाहिशें पूरा नहीं होता है समय पर ठीक है तब सबसे ज्यादा दुख और दर्द इस बात का होता है कि लोगों का आसानी से हो जा रहा है लेकिन मेरा क्यों नहीं ये बात ज़रूर आपके मन में आता है और कुछ हद तक ये सही है और कुछ हद तक ये सही नहीं भी है क्योंकि आप शायद कंपेयर कर रहे हो आपके सिचुएशन के साथ दूसरे सिचुएशन का क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको सिर्फ ऊपर का भाग दिख रहा है नीचे जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है मे बी यू डोंट नो दैट हो सकता है कि किस पर्सन को आप सोशल मीडिया पे देख बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है ये ही मेरे बैचमेंट है ये मेरे फ्रेंड्स है अभी देखो वो कितना खुश है अपने फैमिली के साथ अच्छे टूर में भी जा रहे हैं फॉरेन में भी सेटल्ड है यहाँ पे भी सेटल्ड है ठीक है तो मेरा कैसा मेरा कैसा ऐसा हो गया ठीक है जिंदगी कब किसी के लिए क्या मोड ले ले आपको पता नहीं ठीक है और उसकी जिंदगी में असलियत में क्या चल रहा है आपको नहीं पता सो so बेसिकली हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी का फ्रंट साइड दैट इज द फ्रंट स्क्रीन के साथ बैक ऑफ द स्टेज के साथ बैक ऑफ द स्टेज है उसकी असलियत उसके अंदर जो चल रहा है आपको पता नहीं कि किस तरह से वो वहां पर सेटल है आपको नहीं पता है और आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हो ठीक है आपके जो है मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपने इमोशंस आपके लाइफ में कट कर दिया है बिल्कुल जैसे आप किसी प्यार को नहीं ले पा रहे हो और दे भी नहीं पा रहे हो बिकॉज यू हैव ब्लॉक्ड इट सो यही के किसी के लिए आपने ऐसा किया और वो सही नहीं है आप जानते हो इस बात को बट फिर भी आप मानना नहीं चाहते आपके अंतरात्मा ये कहते हैं कि चलो मैं कनेक्शन बनाऊ मैं कनेक्शन बनाऊ लेकिन आप हिम्मत नहीं करते यहाँ पे देखो यू फील दैट यू नीड टू बी वेरी फ्री यू नीड टू बी वेरी मच यू कैन से दैट आपके कैप्रिकॉन राशि हो सकते हैं, आपके बहुत सुंदर बाल हो सकते हैं <coughs> कुछ लोगों के लिए फॉर एग्जाम्पल फॉर फीमेल यू कैन हैव लेकिन आपके अंदर जो कुदरत ने एक शक्ति दिया है कुछ मेरेकल्स आपके होगा ही होगा आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा लाइफ जो है वो ठहरा हुआ है यहाँ पे इस सारे एनिमल्स को वाटर एनिमल्स को देखते ही आपको ऐसा लगता है किसी भी जीव किसी की जीवात्मा को देख कर आपको लगता है कि मेरा जिंदगी ही रुक गया है इट्स ऑल लाइक सेट इन वन प्लेस शायद मैं ही अटक गई हूँ शायद मैं ही अटक गया हूँ लेकिन ये लोग कितना फ्रीली घूम रहे हैं इट्स ऑल इज इन योर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड बट मेगा चेंजेस जो आपकी जिंदगी में आने वाला है वो है लॉट ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ठीक है आध्यात्मिक तरीके से जा कोई कोई डेवलप कर जाता है उसको कोई भी बुरी शक्ति हो उसको कोई भी विल एनर्जीज हो उसको कोई भी ऑब्स्टिकल हो रोक नहीं सकता यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके लिए घातक है आप जानते हैं फिर भी आपके अंदर इतना हिम्मत बढ़ेगा किसी के सहायता से कोई ग्रुप आपको बहुत हेल्प कर सकता है कोई कंपनी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इन ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट ताकि आप अपने कंपटीटर्स को पूरी तरह से चैलेंज दे दो यहाँ पे जिस कंपनी में भी शायद आप हो ऑलरेडी वहाँ भी बहुत सारे लोग आपके एक्टिविटीज़ को निगरानी में रखते हैं बिकॉज दे चेक वेदर यू आर लॉयल टू दंपनी और नॉट और आपको इरीटेट होता है बट इरेटेड होने की ज़रूरत नहीं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वेरी सोन यू विल एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेरी सोन यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपोजर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप एक स्टूडेंट है अगर आप एक अप्रेंटिस हैं आपका नेक्स्ट लेवल पे एक प्रमोशन मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग तो फाइनल ईयर में जाके बहुत ही अच्छा सा कंपनी में सिलेक्ट हो सकता है ड्यूरिंग द कैंपस इंटरव्यू कुछ लोगों के लिए हो सकता है सीरीज और सेलिब्रेशन हो एक, एक के बाद है, एक के बाद है पार्टी ही पार्टी है कुछ लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ लोगों को ऐसे भी इनवाइट करने वाले हैं जिनको आप दिखाना चाहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे क्या सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा तो एक कामयाबी का जो एक आप दिखाना चाहते हैं वो आप सफल होंगे कि मैं कामयाब हूँ या अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं बहुत सारे फोटोज़ रिगार्डिंग योर सक्सेस विद द एवॉर्ड विद द ट्रॉफी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल कुछ लोगों के लिए स्टॉक मार्केट आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा फिर भी आप अपने कुंडली में ज़रूर देखिएगा कुछ लोगों के लिए यू विल ओन योर ओन हाउस जो सपना आपका था एक मेजर चेंज कि आप जो एक uh, माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लॉट ऑफ नॉनसेंस ड्यू टू लॉट ऑफ नॉइज ड्यू टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ सो so, उस चीज को आप बिल्कुल वो चीज आपको बहुत दुख दे रहा था अंदर से और वो चीज आपके सामने इसी तरह से आ रहा है लाइक यू नो वन दैट ऑब्वियसली आप इस पार से लेकर उस पार तक आप सफल हो पाएंगे यू विल बी एबल टू क्रॉस द हार्डल्स ऑफ योर लाइफ यहाँ पे एक जैसे बोला जाता है ना कॉमेट धूम केतु तो ही बोला जाता है उसको तो so, मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक जितने भी ऑब्स्टेकल्स कोई यहाँ से अपोजिट डिरेक्शन से आए आप एक स्पेस क्राफ्ट का जो एक मैन होता है वो अपने लक्ष्य में कामयाब होने की हंड्रेड परसेंट कोशिश करते हैं अभी वो एक लक फैक्टर होता है कि वहाँ पे जाके स्पेस शिप जो है वो एक्सप्लोड कर जाता है वो खराब हो जाता है या ब्लास्ट कर जाता है लेकिन उसका कोशिश एक दिन उसको कामयाबी के सफर में पहुंचाता ही है सो so, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देर इज ऑब्वियसली एट एंड ऑफ अ सिचुएशन यहाँ पे क्या है आई से बट यहाँ पे क्या है मेरी क्रिसमस ट्री है सो so, बेसिकली क्या है ना चाहे जितने भी आपने झेला हो इन द पास्ट चैप्टर्स वर वेरी मच क्रिटिकल फॉर यू आप उसको सहन ही नहीं कर पाए थे इवन आपके हेल्थ बहुत खराब हो चुका था ठीक है इट वॉज डिटोरिएटिंग आप नहीं सहन कर पाना मतलब क्या है हेल्थ के ऊपर असर पड़ना हो रहा था सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी ठीक है ऑल राइट नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो काफी लॉयल होंगे आपके साथ यू आर ओवर लुकिंग डोंट इग्नोर द साइंस आपको कुछ साइंस मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मेजर चेंजेस मेरे लाइफ में होने जा रहा है कोई भी सिंबल हो सकता है कुछ भी बर्ड्स हो सकता है फ्लावर्स हो सकते हैं देर इज लाइक न्यूट्रल कंडीशन जो आप उतना ज्यादा एक्सट्रीम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है एडवोकेट फॉर जस्टिस ऐसा हो सकता है कि बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही अच्छे से जज कर पाएंगे आपको डेफिनेटली न्याय मिलेगा ही मिलेगा यहां से और देखते हैं हम ग्लोरियसली फ्लॉड अगर आपका कुछ इस तरह से है कि आपको लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपके मिस्टेक्स हुए है और उसको आपको तुरंत रेक्टिफाई कर लेना चाहिए तो आप मान जाना क्योंकि वो मिस्टेक रेक्टिफाई करने से ही आपके मेजर चेंजेस होंगे एक्सक्लूसिव वेयर कुछ कॉस्ट्यूम्स आप खरीद सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा शानदार होगा जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सक्सेस पार्टी आ रही है ठीक so right, so है सो यू विल सेलिब्रेट वेरी सुन और राइट अगेन देर इज अ ब्लैंक कार्ड सो इट मीन्स दैट कुछ चीजें हैं जो खाम खा सोच रहे हैं बट बिल्कुल इन द फ्यूचर इट विल नॉट बी देयर सिंबल लाइक मैसेज बर्ड्स पासिंग कुछ सिंबल्स आपको ओरकल कार्ड से मिल सकता है कुछ सिंबल्स आपको ऐसे मिल सकता है कि पक्षी तो जा रही है उसका ड्रॉप हो रहा है और आप उसको देख रहे हो पीलिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ डिनाइल मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके साथ धोखा इसलिए हुआ था क्योंकि आप जिस इंसान को या जिस फ्रेंड को जिस रिलेशनशिप को जिस चाहे वो भाई बहन का ही रिश्ता क्यों ना हो चाहे वो अपने फैमिली के अंदर क्यों ना हो चाहे वो बाहर क्यों ना हो आप उसके जो मिस्टेक थे ना आप उसको उसके जो मतलब बुराई था ना आप उसको देख ही नहीं पाए या आपने उसको अनदेखा किया इसलिए उसने आपके साथ इस तरह का हरकत किया है अगर कुछ किया है जो घिनौना है जो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है तो आप समझ ही जाओ ठीक है ओके इंस्पिरेशनल एंड ऑरिजिनल सो बेसिकली यू इट्स लाइक दैट लोग आपको सराहेंगे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज यू विल बिकम लाइक द सिम्बॉल ऑफ स्ट्रेंथ फॉर देम और जो सिम्बॉल होता है स्ट्रेंथ का उसको सब लोग वाह वाह ही करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग आई इसे थैंक यू सो मच फॉर विंग विद मी लव य टेक केयर ऑफ यूर सल्फ एन